पंजाब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हरियाणा को उसका हक न दिए जाने के बयान के बाद अब हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से यूटी के प्रशासक को ज्ञापन भेजकर अपना हक लेने की बात कही गई है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर की तरफ से हरियाणा विधानसभा को उनका हक न दिए जाने के बयान पर अब हरियाणा में भी सियासी बयान आने शुरू हो चुके हैं। विधानसभा का मुद्दा गहराता जा रहा है। अब इसी पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी पहले अपना हक लेने की बात कही और इस बार उन्होंने यूटी के प्रशासक को अपनी बात पहुंचाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। दो तीन दिन पहले उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा को देने के लिए एक इंच भी जो स्थान है वो उपलब्ध नहीं, तो हमने आज पंजाब के जो राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं आदरणीय बदनौर साहब, उनको मेमोरेंडम भेजा है। ये जो भवन है उनकी देखरेख के अंदर ही ये रहता है, तो वो इसका जो न्याय है, इसका जो स्थान है, जो हमारी हिस्सा है, वो दिलाने की कष्ट करें। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने यूटी के प्रशासक को तीन अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का सुझाव दिया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कि एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, एक विधानसभा पंजाब के जो सेक्रेटरी हैं और हरियाणा विधानसभा के सेक्रेटरी हैं और चंडीगढ़ के एक कोई भी अधिकारी को वो तय करें, तीनों बैठ करके इस मसले का समाधान पेमाइज करके जो निकले उसके अनुसार करवा दें। इतना ही मेरा निवेदन आदमी है गवर्नर साहब से। यानी ये विवाद अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। क्या यूटी प्रशासक इस मुद्दे का हल करवा पाएंगे या फिर ये मुद्दा भी एसवाईएल की तरह बस एक मुद्दा ही बनकर रह जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।